तो कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम एडी को अपने स्कूल में पढ़ता देख रहे हैं। तभी एक क्लासमेट उससे 52 पिकअप कार्ड्स खेलने को बोलता है और उसे वहां से बुली करके चला जाता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो उसे कार्ड उठाने में हेल्प करती है, पर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि उस लड़की का भी एक बॉयफ्रेंड है और एडी का चूतिया कट गया है। और इसी वजह से अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि एडी बड़ा होकर एक फेमस नॉवेलिस्ट बन गया है, जिसने 52 पिकअप कार्ड्स नाम से एक बुक लिखी है, जिसका थीम है कि कोई भी लड़का इस बुक से हर वीक एक नई लड़की पटा के उसके साथ सेक्स करने की टेक्निक सीख सकता है। पर इस बात पे एक लड़की इंटरव्यू लेते हुए एडी से कहती है कि इस बुक के लिए सभी फीमेल क्राउड आपको काफी क्रिटिसाइज करती हैं और आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे। और अगले शॉट में हम देखते हैं कि एडी उसी इंटरव्यूअर के साथ और बाकी दूसरी लड़कियों के साथ भी सेक्स कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि एडी अपने दोस्त स्टीव के साथ एक बुक शॉप में अपने फैंस को बुक पे ऑटोग्राफ दे रहा है, जहां उसके सभी फैंस उसे उसकी बुक के लिए थैंक्स कह रहे हैं। और वहीं पे उसका दोस्त स्टीव मॉली नाम की एक असिस्टेंट पे फ्लर्ट मारने की कोशिश करता है, पर मॉली पे उसका कोई असर नहीं होता। और जाते टाइम स्टीव एडी से कहता है कि शाम में एक चैटी फैशन शो है जहां उसे आना है। पार्टी में आते ही एडी दूसरी लड़कियों को देखने लगता है, पर एंट्री से थोड़ा पहले ही एडी एक मिस्टीरियस लेडी से टकरा जाता है, जिसका फेस किसी विच जैसा होता है और उसके हाथ में एक वॉन्ड यानी कि जादू की छड़ी होती है। वो लेडी एडी से कहती है कि तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर करते हो तो अभी मुझे किस करो और प्रूफ करो कि तुम इनर ब्यूटी को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। एडी वहां से उसका मजाक उड़ा के चला जाता है और पार्टी में एक लड़की को इम्प्रेस करके उस लड़की के घर जाके उसके साथ सेक्स करता है। आधी रात में एडी वॉशरूम जाने के लिए उठता है, पर तभी वो देखता है कि वो एडी से एक लड़की बन चुका है। पहले तो उसे भरोसा नहीं होता, पर ठीक से चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब सपना नहीं बल्कि सच है, और वो घबरा के वहां से भाग जाता है। एडी अपने दोस्त को कॉल करके उसे झूठ बोल के अपने घर बुलाता है और वहां उसे सारी बात बताता है कि वो कैसे एडी से एक लड़की बन गया। इस बात पे स्टीव का रिएक्शन काफी शॉकिंग होता है और उसे भरोसा नहीं होता कि वो सब कुछ सच कह रहा है, पर कुछ सीक्रेट शेयर करने के बाद स्टीव को भरोसा हो जाता है कि वो एडी ही है। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस होमलेस एडी को ढूंढेंगे जिसने एडी को लड़की बना दिया, जिसके लिए वो लोग शहर के सभी ओल्ड एज होम चेक करते हैं, पर कहीं पे भी उन लोगों को वो लेडी नहीं मिलती। पर एक ओल्ड एज होम में उनकी मुलाकात होती है जेस से, जो प्रॉमिस करती है कि अगर उसे ऐसी कोई भी लेडी मिलेगी तो वो उन्हें कॉल करके जरूर बताएगी। आगे हम देखते हैं कि घर आके स्टीव एडी को समझाता है कि जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, एडी को इस न्यू लाइफ को एम्ब्रेस करना चाहिए और अपनी नई बुक के लिए कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहिए। और वो लोग एडी के लिए कुछ कपड़े लेने निकल जाते हैं, और वापस आके स्टीव अपने ही फ्रेंड एडी पे लाइन मारने लगता है और इरिटेट होके एडी उसे अपने घर से निकाल देता है। एडी अब धीरे धीरे वो सभी चीजें ट्राई करने लगता है जो लड़कियां करती हैं। आगे हम देखते हैं कि एडी और स्टीव दोनों बार में बैठे हैं, जहां उन्हें जेस दिखती है जो ओल्ड एज होम वाली एम्प्लॉय थी। एडी उससे मिलने आता है और वो दोनों काफी देर बातें करते हैं, जहां एडी समझ जाता है कि जेस में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। बाहर में जेस को डिलन नाम का एक लड़का काफी इंटरेस्टिंग लगता है और एडी उसे बोलता है कि उसे डिलन से जाके बात करनी चाहिए, पर डिलन कुछ झूठ बोल के जेस को रिजेक्ट कर देता है, जिसपे एडी उसके मुंह पे टकीला फेंक के वहां से जेस के साथ भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि एडी एक सेक्स टॉय शॉप में कुछ सेक्स टॉयज खरीदता है, जहां उसकी मुलाकात मैट से होती है जो काफी रिच होता है, और एडी जेस को मेकओवर करवा के उसे अपने साथ मैट से मिलवाने ले जाता है। डेट पे जेस और मैट दोनों काफी बातें करने लगते हैं, पर ये बात एडी को पसंद नहीं आती और उसे थोड़ी जलन फील होने लगती है। एडी स्टीव से कहता है कि क्या उसने कभी वन नाइट स्टैंड की जगह प्रॉपर रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, जिसपे स्टीव का जवाब होता है कि ये तो काफी मैच्योर इंसान वाली बातें हैं। शाम में एडी जेस के घर जाता है और जेस से कहता है कि वो प्रॉमिस करे कि वो अपना ध्यान रखेगी, क्योंकि उसे मैट पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, पर जेस को मैट पे पूरा भरोसा होता है। इसीलिए एडी मैट के ऑफिस जाता है, जहां उसे मालूम चलता है कि मैट ऑलरेडी मैरिड है और उसके 3 बच्चे भी हैं। शाम में एक फैशन शो के बैक स्टेज पे एडी यही सब चीजें जेस को बता देता है और अपनी पूरी ट्रेजेडी भी बताता है कि कैसे वो एडी से एडना बन गया, पर जेस गुस्सा के उससे दोबारा कभी ना मिलने को बोल के वहां से चली जाती है। एडी एपिसोड के घर आके स्टीव के साथ बियर पीता है और कहता है कि वो रेडी है स्टीव के साथ सेक्स करने के लिए, क्योंकि वो अपनी लड़कियों वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। और ये सुन के स्टीव काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर जैसे वो मोमेंट आने ही वाला होता है, एडी को गर्ल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें आगे करना क्या है। स्टीव तुरंत हॉस्पिटल से कुछ लोगों को बुलाता है जो लोग उनकी हेल्प करते हैं, और उसके बाद स्टीव वहां से चला जाता है। अगले शाम एडी बार में जाके बियर पी रहा होता है, जहां एक लड़का उसे ड्रिंक ऑफर करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है,
पर एडी उसे लंबा चौड़ा भाषण देके बोलता है कि तुम अल्टीमेटली एक लड़की के साथ सेक्स करना चाहते हो, पर इस बात का यहाँ कोई असर नहीं होगा क्योंकि मेरे लिए प्यार और रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करता है। और इसी बात पे साइड में बैठी एक लेडी उसे काफी अप्रिशिएट करती है और एडी को अपनी न्यू बुक का इंस्पिरेशन मिल जाता है जो कि लड़कियों के सपोर्ट में होती है। और उस बुक के पूरा होने के बाद वही मिशेल लेडी एडी पे अपना स्पेल रिवर्स कर देती है और एडी फिर से एडना से एडी बन जाता है। और लास्ट शॉट में हम देखते हैं कि बुक लॉन्च इवेंट में एडी सभी लड़कियों को उनकी बुक पे ऑटोग्राफ दे रहा होता है और वहीं जेस आके उससे वापस पैचअप कर लेती है और स्टीव भी मॉली के साथ अब रिलेशनशिप में आ चुका है। तो यार ये थी सेक्स ट्रिप मूवी का एक्सप्लेनेशन, तो मुझे कमेंट में बताना कि तुमने मूवी देखी है नहीं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना और मैं ऐसे ही फैक्ट रिव्यू से वीडियोस लाता रहता हूँ तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फोटोज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।